गाइस मैंने 800 बार पतंग उड़ाई और अटका दी, रो रहा है। आज तो देख सकते हो झंडा गिरने वाला था, इसलिए हमारे राम भक्त चले गए हैं झंडा ठीक करने। पतंगबाजी के बाद अभी दूसरा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, कौन पहले केक खाएगा। इन बच्चों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे मुंह में लाल जल रही है देख देख के। और गाइस ये वो अपनी बहन को बोला वो कर दो जल्दी खा लेगी, और खा भी लिया है। आए गाइस बाकी आप बताना कि आप अभी भी पतंग उड़ाते हो कि नहीं उड़ाते, मतलब जो लोग बड़े हो गए वो पतंग उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते। तो ये बोलती ब्लॉग स्टार्ट करो, ब्लॉग स्टार्ट करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रखा, मतलब बारिश आई थी कल रात से, मतलब लगातार बारिश हो रही है, अभी जाके जस्ट बारिश रुकी है। तब मैंने कहा व्लॉग तो स्टार्ट कर लेते हैं कम से कम, क्योंकि पता नहीं आज दिन में कुछ कर पाए ना कर पाए, क्योंकि घर में ही था मैं आज पूरे दिन भर, कहीं ऐसा कुछ बाहर जाने का प्लान है नहीं मेरा। तो आज पूरे दिन भर मेरे को घर में रहना है, क्योंकि बाहर होती है बारिश और ऐसी बारिश में बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकता, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर नेक्स्ट व्लॉग नहीं आ पाएगा। वैसे ही जैसे मैं डेली व्लॉग स्टार्ट करता हूँ कुछ ना कुछ इशू आता है, तो इस बार पूरी सेफ्टी के साथ व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो मतलब मसूरी में जो है बर्फ पड़ चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो गाइस, मतलब इधर देखो बर्फ पड़ चुकी है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आपको, पर बर्फ पड़ चुकी है। अब एक दो दिन में हम भी जाएंगे और स्नोफॉल का आनंद उठाएंगे। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या सब कुछ सही है, मतलब मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। कुल मिला के बात यह है, अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इस पार्ट को चेंज करो, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करो, ताकि हमारे और अच्छे अच्छे व्लॉग आ सके, ठीक है गाइस। तो अब मैं मिलाता हूँ आपको अपनी बहन से, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रही है कि व्लॉग बना व्लॉग बना व्लॉग बना, तो फटाफट चलते हैं उसके पास और उसके रिएक्शन देखते हैं क्या रिएक्शन देती है। वैसे हेलो गाइस के अलावा कुछ और बोलती नहीं है वो, बट अभी हम देखते हैं क्या बोलती है वो। चलो तू तो बोलती व्लॉग स्टार्ट करो, व्लॉग स्टार्ट करो। गिरते गिरते बच गए भी तू, अब बोलो कुछ, क्या बोल रही मेरा कैमरा क्या, तेरा कैमरा जो तेरे कमरे में है, ये जरा मेरा कैमरा देखना, दूसरा वाला हाँ। बड़ा वाला कैमरा हाँ। तेरी उससे फोटो खींचनी है हाँ। तू तो बोली थी व्लॉग बनाना है, वही चाहिए वही चाहिए, चल ठीक है तेरी फोटो खींचते, अभी कहाँ खींचनी है फोटो तेरी, गाइस मतलब हमारे साथ स्कैम हो चुका है, मतलब अद्दू को फोटो खिंचानी थी ना कि व्लॉग बनवाना था, मुझे लगा शायद व्लॉग के लिए बोल रही है, दूसरे कैमरे के लिए बोल रही थी। गाइस अद्दू की फोटो खींच रही है, चलो दो तेरी फोटो खींचता हूँ, चल वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओए अब बोल क्या बोल रही थी, दोबारा से बोल। हेलो गाइस वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये अद्दू गाइस अब करो फटाफट सब्सक्राइब है ना, अब मैं मतलब कल का व्लॉग एडिट कर लेता हूँ, जो कल वाला लास्ट व्लॉग था उसे एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। चलो तो गाइस मैं फिर से आ गया था छत पे, आपको नहीं पता तो बताता हूँ, जो मेरे व्लॉग की टाइमिंग है शाम के 5 बजे की है, तो आप शाम के 5 बजे जाके वॉच कर लेना मेरा व्लॉग, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी पता नहीं हुआ कि व्लॉग मैं किस टाइम अपलोड कर रहा, तो मैं शाम के 5 बजे अपलोड कर रहा हूँ, आप जाके वॉच कर लेना। और अभी मैंने अपलोड कर दिया है, शाम तक पब्लिक हो जाएगा। और ये देख सकते हो पतंग बाजी चल रही है, और ये लौंडा है जो पतंग उड़ा रहा है, ये क्या हो गया गाइस, गाइस बाकी आप बताना कि आप अभी भी पतंग उड़ाते हो कि नहीं उड़ाते, मतलब जो लोग बड़े हो गए वो पतंग उड़ाते कि उड़ाते, छोटे बच्चे वगैरह अभी भी उड़ाते ही होंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप पतंग उड़ाते कि उड़ाते, और साथ ही साथ अब मैं भी थोड़ी सी पतंग उड़ाऊंगा, फिर चलते हैं उसके पास और वहां से उड़ाते हैं हम लोग पतंग। चलो तो गाइस वो वहां से ढील देगा और फिर मैं यहाँ से पतंग उड़ाऊंगा और ये से हम पतंग का मजा लेंगे। क्या लेके जा रहा, वहां पहुंच जाओगे क्या, गाइस 800 बार पतंग उड़ा रहा, मजा आ रहा, मेरे घर के पेड़ में फंस गई वो, कोई नहीं है ना गाइस, मैंने 800 बार पतंग उड़ाई और अटका दी, रो रहा है गाइस,
मतलब गाइस मैं इतने टाइम बाद पतंग उड़ाई और पतंग भी अटक गई, मतलब हवा ज्यादा तेज चल रही थी तो मेरे से पतंग भी कंट्रोल नहीं पाई, पहले तो मेरे से कंट्रोल हो गई थी ऐसी, मतलब जब मेरे से ऑटो कंट्रोल हो रही थी ना मैं ढील दे रहा था, बट उस टाइम मैंने ढील दी और पतंग जब से हवा की वजह से नीचे चली गई और नीचे जाने की वजह से पतंग पेड़ पे अटक चुकी है। अब हम पेड़ से इसकी पतंग निकालते हैं वरना बारिश भी आ जाएगी और पतंग इसकी खराब हो जाएगी, फिर ये मुझे गाली देगा, चार गालियाँ। बाकी देख सकते हो ये हमारा भाई है, रो तो नहीं रहा तू, रो तो नहीं रहा। तो अब हम नीचे चलते हैं फटाफट और इसकी पतंग निकालते हैं बारिश आए उससे पहले, नहीं तो फिर मुझे चार गाली दे देगा। चलो पतंग है वो मेरी क्यारी में फंस रखी है और देव अब मेरे घर आ चुका है, मतलब देव रास्ते में मिल गया था मेरे को, सीखर जा रहा था तो देव हमें रास्ते में मिल गया था, तो इसकी पतंग जो है वो अटकी हुई गाइस, देख रहे हो सामने। तो गाइस ये पतंग उतर चुकी है और इसने लग गई से उतारी है पतंग, और चरखड़ी दिखाता हूँ आपको गाइस, 10 रुपए वाली चरखड़ी लेके आ रखा है पता नहीं कहाँ से, 40 की है, 40 रुपए बारिश हो रही है और कैमरा भी भीग जाएगा, मैंने वाटर प्रूफिंग केस नहीं लगा रखा इसका। चलो बोला जाएगा पतंगड़ा नहीं उड़ाएगा यहाँ से, अभी ऐसा करते हैं अभी नीचे जाकर आराम से बैठते हैं, चाय पकौड़ी खाते हैं, चाय पकौड़ी नहीं बैठ खाते करते हैं, देखते हैं फिर आएंगे ऊपर। गाइस इसे समझाओ को यार, इतने प्यारे मौसम में चाय पकौड़ी बनती है, कमेंट सेक्शन में बताओ बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। चलो माजी के बाद अभी दूसरा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, कौन पहले केक खाएगा इन बच्चों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे मुंह में लार जरूर आ रही है देख देख के। और गाइस ये वो अपनी बहन को बोल रहा है वो कर दो जल्दी खा लेगी और खा भी लिया है। तो मतलब गाइस देख सकते हो पूरे बादल ही बादल हो गए भयंकर वाले, उस टाइम इतने भयंकर बादल नहीं थे पर कुछ ज्यादा भयंकर बादल हो गए और बारिश भी हो रही है और साथ में बिजली भी कड़क रही है, मतलब इस अच्छा हुआ मैं कहीं बाहर नहीं गया, अगर कहीं बाहर जाता ना पक्का कहीं ना कहीं फंस जाता मैं। A few minutes later. So guys, finally मैं सो के उठ चुका हूँ और यार लाइट जा रही थी, मतलब ये जो लाइट जल रही है इन्वर्टर से, और घर वालों की गाली खाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम खुद पकौड़ी बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई का आज पूरा मन पकौड़ी खाने का, तुम्हारा भाई खुद ही बनाएगा पर बनाएगा जरूर, तो चलो। तो गाइस फाइनली मेरी पकौड़ी बन चुकी है और मैं स्नैक्स और चाय को एंजॉय करता हूँ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, और बाहर काफ़ी बारिश हो रही तो बी सेफ ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।